नेक्स्ट कॉलर है आगरा से रजनी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम जी। नमस्ते। नमस्कार मैम। ये बोल रही हूँ, मेरे पैरों पे सूजन रहती है और धड़कन होती है रात को, और पीरियड में 6.7 पथरी है। पथरी कौन सी जगह पर है, पित्ते में या नहीं? गुर्दे में सर। नमस्ते जी। आदर। हाँ देखिए, ये पथरी निकल सकती है आसानी से और ये सूजन भी जा सकती है आपकी बहुत आसानी से, लेकिन उसका समझ लें आप। देखिए गुलड़ तो सब जानते हैं, गुलड़ के पेड़ होते हैं बड़े बड़े जो 50-100 साल से आपके आसपास खड़े रहते हैं गांवों में शहरों में, और उस पर ये गोल गोल सा वो आता है गुलड़, उसे गुलड़ कहते हैं। तो इसके चार पत्ते ले, गुलड़ के चार पत्ते, और इन पत्तों को आपको सिलबट्टा होता है ना उस पर इतना बारीक पीसना है, खूब बारीक, और नींबू पानी में पीसे, नींबू निचोड़ें और उसके पानी में पीसे, नींबू के जो रस होता है उसमें पीसे खूब बारीक, और चार पत्ते हों। और एक आता है नमक जैतून, देखिए इससे हम उस पथरी को कितनी भी बड़ी हो उसको पाउडर करके निकाल सकते हैं। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून आधा ग्राम इसमें मिला लें, इसके पानी में एक गिलास पानी में ये सब मिला के पी लें, और ये जब पिए आप तो दिन में एक ही बार पिए, और जब भी पिए तो आधा घंटे के अंदर दो गिलास पानी और पीना है, और एक घंटे तक कुछ ना खाएं, और फिर उसके बाद नॉर्मल आप रहें। दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, ये दर्द के लिए नहीं है, ये पथरी को पाउडर बनाने के लिए। जब ज़्यादा पानी और भी पी सकते हैं, इसलिए पीना है कि ज़्यादा पानी पीने से बहुत फोर्स से पेशाब आता है, तो ये उसका जाके पथरी को गला देता है और फोर्स से पेशाब पेशाब के रास्ते फिर बह जाती है। तो आप ये 5-10 दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।